व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू मोटर लेजर। आज अपन महिंद्रा एक्सयूवी 300 चला रहे भाई, ठीक है। 2019 मॉडल है ये एक्सयूवी 300, अपना टॉप एंड मॉडल है, W8 ऑप्शनल, डीजल मैनुअल। ओके, तो अपन देखेंगे इसका पूरा सर्विस मेंटेनेंस क्या रहता एंड माइलेज का बात अपन आखिरी में करेंगे। एंड यार गाइस, बिफोर गोइंग फॉर टेस्ट ड्राइव, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, वी कीप पोस्टिंग बेस्ट यूज्ड कार्स इन हैदराबाद। चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। व्हाट्स अप गाइस, आज अपन महिंद्रा एक्सयूवी 300 चला रहे। सो दिस पर्टिकुलर वे इज द 2019 मॉडल। 2019 में लॉन्च हुई थी एक्सयूवी 300 एंड इट केम इन 2023। उसके बाद इट गॉट रिप्लेस विद महिंद्रा 3XO जो अपनी अभी लॉन्च हुई 2024 में। द वन विच वी आर ड्राइविंग टुडे इज द W8 ऑप्शनल मैनुअल डीजल वेरियंट है ये। टॉप एंड मॉडल है मैनुअल डीजल का 300 का। सो इट कम्स विद 1500 cc का। अपने को इसमें 4 सिलेंडर का डीजल इंजन मिलता है भाई, ठीक है। तो मार्केट में इसकी कंपटीटर्स कौन कौन है बैक इन द डे एंड नाउ इटसेल्फ आल्सो, अपनी जो हुंडई की वेन्यू हो गई, किया की सोनेट हो गई, निसान मैग्नाइट हो गई, अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा हो गई, अपनी जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है इंडियन मार्केट में, यानी तो आप एंट्री लेवल एसयूवी बोल सकते हैं फ्रॉम द कंपनीज, वो सेगमेंट में कम्पीट करती है गाड़ी। एंड यहाँ गाइस कम टू इसका स्टेयरिंग फीडबैक, आपको मजा आएगा गाड़ी चलाने में। द यू नो द स्टांस ऑफ द कार इज अपराइट, सो यू गेट दैट कमांडिंग फील ऑफ द रोड। आपको अच्छा ग्रिप भी मिल जाती है, सो यू हैव दैट ग्रिप ऑफ द रोड एंड ऑब्वियसली द टॉर्क फ्रॉम द डीजल इंजन इज ऑलवेज रेडी टू ऑफर एज यू चेंज गियर्स दैट यू नो एंड ऑल्सो द स्पीड बढ़ाते रहते, स्टीयरिंग का फीडबैक भी बढ़ता रहता। सो यू विल हैव फन ड्राइविंग द कार इन द सिटी एज वेल एज ऑन हाईवेज एंड इट इज प्रीटी स्टेबल ऑन द स्पीड्स एंड द कॉर्नर्स एज वेल। एंड या गाइस, एज ऑलवेज से, नो कार इज मेंटेनेंस फ्री, बी दैट मारुति, बी दैट महिंद्रा, बी दैट वोल्सवैगन, बी दैट स्कोडा, बी दैट BMW, बी दैट वोल्वो, बी दैट रेंज रोवर, बी दैट बेंटली, बी दैट रोल्स रॉयस, बी दैट रेंज रोवर, बी दैट लैंड रोवर, बी दैट वोल्वो, बी दैट एनी अदर ब्रांड, एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू गिव द एसेंशियल्स द कार नीड्स, अदरवाइज गाड़ी मेंटेन नहीं होती लॉन्ग टर्म में एंड इट विल गिव यू प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन। एंड या गाइस, एज आई ऑलवेज से, आपको कंपनी में जाने की कोई जरूरत नहीं है फॉर पार्ट एंड सर्विस। आप अपने गराज पे आ सकते डायरेक्टली फॉर पार्ट्स एंड सर्विस। यू नॉट डू नॉट गो टू द कंपनी फॉर व्हाट यू कॉल पार्ट्स एंड सर्विस विद द चार्ज यू हाई लेबर टैक्स एंड ऑल्सो द वेटिंग पीरियड ऑफ द पार्ट्स इज वेरी हाई इन कंपनी। अपने पास रेडिली अवेलेबल रहता वो पार्ट। एंड यहाँ गाइज, चलो इसका जनरल सर्विस और मेंटेनेंस का बात कर लेंगे अभी, लेट्स गो। तो गाइज, वी आर बैक। अपन एक्सयूवी 100 चला के एक्सयूवी 300, ठीक है। 2019 मॉडल है एक्सयूवी 300 W8 ऑप्शनल, कम्स विद 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है अपने को इसमें, ठीक है। कम्स विद मैनुअल ट्रांसमिशन। तो लेट्स स्टार्ट का जनरल सर्विस। सो फॉर एवरी 10,000 किलोमीटर्स योर जनरल सर्विस कॉस्ट विल कम आउट टू बी 4,500 रुपीज भाई। आप ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कूलेंट टॉपअप जो भी होता 4,500 रुपीज में होता हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन, इसके ब्रेक पैड्स, फ्रंट एंड रेयर ब्रेक पैड विल कॉस्ट यू अराउंड 2,700 रुपीज भाई। आपका आगे का ब्रेक पैड अलग रहता, पीछे का ब्रेक पैड अलग रहता, तो ईच न्यू ब्रेक पैड सेट विल कॉस्ट यू अराउंड 2,700 रुपीज। ओके, नाउ मूविंग ऑन, इसका टायर 215/55 R17 इंच के टायर चाहिए, तो ईच न्यू टायर विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज भाई। आपका आगे का क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता प्राइस, ठीक है, 200-300 रुपए ऊपर नीचे होता। 215/55 R17 जिसके टायर चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, MRF हो गया, अपना C8 हो गया, ब्रिस्टोन हो गया, अपोलो हो गया। ओके, 215/55 R17 जिसके टायर चाहिए, राइट। नाउ लास्टली कमिंग टू इसका बैटरी, 55 एम्पीयर की बैटरी चलती भाई, एक्साइड ले रहे हैं, आमरन ले रहे, 6,500 रुपीज की बैटरी आपकी। ओके, सो यार गाइस, दैट वाज द मेंटेनेंस। नाउ कम टू द माइलेज भाई, देखो बिना कॉम्पैक्ट एसयूवी है, डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज नहीं मिल रहा। सिटी में यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 10-11-12 का देते रहती, ठीक है, एंड हाईवे पर मैक्स टू मैक्स 17-18, उससे ज्यादा नहीं देती है गाड़ी इफ यू जेंटली क्रूजिंग। एंड यार गाइस, इफ यू लुकिंग फॉर यू नो, आपको एक मॉडर्न ये चाहिए, अपना कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, इफ यू लुकिंग फॉर अ कॉम्पैक्ट यूज्ड एसयूवी इन द मार्केट, आप यू कैन कम टेक अ लुक एट द कार। बहुत कम चली हुई है, 15,000 के आसपास चली हुई है गाड़ी, एंड इफ योर बजट इज अराउंड 9-10 lakhs, यू कैन कम सी द कार। एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ स्पेस, आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, स्पेस चाहिए, आपको मिल जाता है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ गाइस, एज आई ऑलवेज से, आपको कंपनी में जाने की कोई जरूरत नहीं है फॉर पार्ट एंड सर्विस। आप अपने गराज पे आ सकते डायरेक्टली, डू नॉट गो टू द कंपनी फॉर पार्ट एंड सर्विस विद द चार्ज यू हाई लेबर टैक्स एंड ऑल्सो द वेटिंग पीरियड ऑफ पार्ट इज वेरी हाई। एंड यहाँ गाइस, अगर आप पहले की वीडियोज भी नहीं देखे आप वो भी देखो, आपको एक मेंटेनेंस और सर्विस और ये गाड़ियों का क्या रहता पूरा आइडिया हो जाता, सर्विस और मेंटेनेंस क्या रहता। चलो, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। चीयर्स, यो।